This conference will now be recorded. Assalamualaikum. Selamat hari. Okay, kya haal hai? Kaise hain? जी शहरूज बेटा, पेस बढ़ानी पड़ेगी आपको, इंक्रीज योर पेस। इस तरह तो फिर और यू वुड बी यू नो फील लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि आगे मजीद पेस हमारी तेज हो जाएगी। तो जस्ट इंक्रीज योर पेस और एटलीस्ट जो रेगुलर जो रूटीन के टेस्ट के टॉपिक है ना, वो साथ साथ कम अज कम तैयार करते रहो। जहाँ कोई कंसेप्चुअल वीकनेस फील हो, जहाँ लगे कि यू नीड सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सम क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, आप हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं। बट जहाँ तक पेस का सवाल है, यह आपको ठीक है, आपने इसको जो है वो खुद लेके चलना है साथ। गॉट इट? ओके, हमने ये लास्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे ना, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। I told you कि तीन एरियाज में टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है, वर्किंग मेथड्स के अंदर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर और स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी के अंदर। दिस इज बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, ये सबसे प्रोमिनेंट है। इनको थोड़ा थोड़ा एक बस ओवरव्यू इसका देख ले, इसमें बस एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी से वर्किंग मैथड्स कैसे चेंज होते हैं। कंप्यूटर्स के आने से मशीन आर नाउ रिप्लेसिंग द मैनुअल वर्क, कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मेनी टास्क, मेंटल टास्क और इवन अब तो इंटेलेक्चुअल जॉब्स के लिए भी कंप्यूटर्स काफ़ी इन हो गए हैं। अब तो जो कंप्यूटर्स हैं ये बहुत हद तक अब आपके लिए इंटेलेक्चुअल काम भी कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ह्यूमंस अब हायर लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग होती है जो डेफिनेटली कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर्स के नॉट मेक क्विक डिसीजंस, तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप फिर ह्यूमन बींग्स पर रिलाई करते हैं। कंप्यूटर्स बहुत सारे हाई लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, तो एआई की हद तक देखा जाए तो डिसीजन के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि अब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट करते हैं। सो देर आर डिफरेंट टूल्स विच वी आर कंप्लीटिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। एआई का नाम सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। AI जो होती है दैट अलाउज यू टू मेक सम क्विक डिसीजंस, जो कि सिचुएशनल होते हैं, सर्कमस्टांशियल होते हैं, ठीक है। इसी तरह टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज पे भी आता है, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग, आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज क्या हैं, जैसे नए नए मॉडल आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये बल्कि अकाउंटेंट्स के लिए एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, इट वाज सेइंग कि जो अकाउंटेंट्स हैं they might be taken over by the computers like in 10 years, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास और strategic decision making के जो avenues हैं वो खुल जाते हैं। तो you can make yourself available for some strategic decision. Exactly, automation तो होनी शुरू हो गई भी है ना, automation तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़ी speedily हो रही है, automation तो बहुत speedily हो रही है ना। तो automation जो है वो तो एक main source है ही replacement का। automation के साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो भी होती जा रही है ना अब कंप्यूटराइज्ड। पहले तो सिर्फ ऑटोमेशन होती थी, अब ऑटोमेशन के साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो भी आगे हो रही है। एंड ओइंग टू दीज रीजन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे हैव दिस प्रॉब्लम कि वो कैसे अपने आप को कोप करें। नहीं, डेफिनेटली इसके लिए ज़रूरी है।
ऑब्वियसली यार देखो, जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है ना, वहाँ पे तो ब्रेन ही काम करेगा। और ये आप जब जाएंगे ना फाइनल्स में, तो यू वुड सी कि जब आपको स्ट्रेटजी इसलिए बढ़ाई जाएगी कि उसके लिए आपकी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बिल्ड की जाए। ठीक है, मत देखें क्वालिफिकेशन या डिग्री जो है, तो फाउंडेशन है, तो बुनियाद है। इसके ऊपर जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, द वे यू लीड, द वे यू मेक डिसीजन, देन दैट काउंट्स अलॉट। उसकी इंपॉर्टेंस है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वो स्ट्रेटेजी के यहाँ पे आके होता है कि जिस तरह ह्यूमन ब्रेन स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर सकता है, इस तरह का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट फॉर एग्जांपल मशीन लेवल। तो मशीन लेवल के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलती। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में देखें चेंज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हर साल गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है। हाँ, दैट्स वेयर द पॉइंट कम कि फिर क्या मल्टीटास्किंग होगी, क्या वी वुड नीड फ्यूअर पीपल। हाँ, ये एक सवाल ये निशान है कि वेदर वी नीड फ्यूअर पीपल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द एक्सेसिव स्किल सेट वी हैव, उन्हें हम कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन टू पॉन्डर। ये क्वेश्चन मार्क इस पे पैदा हो जाता है कि फिर हम उन्हें जो जो फिर बाकी जो बचेगा स्किल सेट, उसे आप कहाँ पे फिर डिप्लॉय करेंगे। अरे बात समझ। खैर, अभी इट्स नॉट गोना हैपन, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट डेकेड, 10-15 साल तक तो नहीं होने लगा। तो इंशाल्लाह आपका करियर सिक्योर है, डोंट बी वरीड अबाउट योर करियर, योर करियर इज सिक्योर। हाँ, ऑब्वियसली अभी कम अज़ कम 10-15 साल से पहले नहीं होता ये, तो आप टेंशन ना लें, जस्ट कीप काम। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर भी देखें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से डिज़ाइन चेंज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में आती है चेंज, एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ अपडेटेड टू बी कम्पेटिटिव। आपको हर दफ़ा नया मॉडल, नई सर्विसेज लॉन्च करनी पड़ती है ताकि आप कम्पेटिटिव रह सकें, ताकि आप उस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन सकें, सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कम्पेटिटिवनेस जो होती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर, दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द इनोवेशन। और इनोवेशन कहते हैं टू लॉन्च न्यू सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट्स, और टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसेस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए प्रोसेस से बनाना भी इनोवेशन है। जहाँ तक आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, नॉलेज मैनेजमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो यू आर पार्ट ऑफ इनोवेशन, आप इनोवेशन प्रोसेस का हिस्सा हैं। ठीक है, इसी तरह टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उसका इम्पैक्ट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो आपके स्ट्रक्चर, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर है, आपके स्ट्रक्चर पर, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर है। स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एक है डाउनसाइजिंग, एक है डीलेयरिंग, और एक है आउटसोर्सिंग। डाउनसाइजिंग जो है, इसका मतलब ये होता है कि एक इदारा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को निकाल रहा है। ये हमने पहले भी बात की थी ना अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर या एम्प्लॉयमेंट लॉस के अंदर, कि जब आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को कट करते हैं, बेसिकली व्हेन यू एंटर इनटू अ प्रोसेस ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है, यू मेक योर वर्क फोर्स रिडंडेंट, तो वहाँ पर फिर आपको डाउनसाइजिंग करनी पड़ती है। डाउन साइजिंग हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर जो आपके जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी भी क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इसमें तो इम्पॉर्टेंट वो जो एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं ना आपके, वो काफ़ी हद तक इसके अगेंस्ट चले जाते हैं कि दे माइट हेल्ड यू अकाउंटेबल अगेंस्ट सम कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक इशू पैदा हो सकता है। मतलब इफ़ यू आर रिड्यूसिंग द वर्क फोर्स, यू हैव टू मेक श्योर कि वो किसी ना किसी लॉ को फुलफिल करते हुए ही आपको उसको जो है वो परसू करना है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से डाउनसाइजिंग होती है, डीलेयरिंग होती है, आउटसोर्सिंग होती है। डाउनसाइजिंग हम करते हैं हमने ह्यूमन रिसोर्स को फ्री करना होता है, डीलेयरिंग हम करते हैं हमने टॉल से फ्लैट स्ट्रक्चर में आना होता है, यू हैव टू रिड्यूस द लेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अक्सर इदारे जो है आपने देखा होगा तो टॉदर हायरार्की से फ्लैटर पर भी शिफ्ट होते हैं, सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। फिर आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है आप अपने किसी एक ऑपरेशन को किसी थर्ड पार्टी से कंप्लीट करवा देते हैं, और ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, ऑल ऑफ दीज आर इंटर रिलेटेड। ये तीनों के तीनों जो हैं ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप डाउनसाइजिंग करते हैं तो उसके लिए फिर आपको डीलेयरिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, और जब आप डीलेयरिंग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली फिर आउटसोर्सिंग करते हैं। नहीं ऑन बेटा, आई हैव जस्ट चेक्ड, नहीं सबके ऑफ है।
अभी कौन था, अभी चंद सेकंड पहले, बट नाउ इट्स म्यूटेड. सो डाउनसाइजिंग, डीलेयरिंग एंड आउटसोर्सिंग, देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट फिनोमेना. डाउनसाइजिंग के अंदर क्या होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स को कट शॉर्ट करते हैं बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. साइज को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर क्या करते हैं, यू यू ट्राई टू रिड्यूस द मैन पावर. साइज को रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं. साइज को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आप बिजनेस की एक्टिविटीज को उतना ही रख रहे हैं, एक्टिविटीज सेम है, बट नाउ इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल. ठीक है ना. साइज को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि अब आप वही काम कम लोगों से करवा रहे हैं जो पहले आप ज्यादा लोगों से करवाते थे. डाउनसाइजिंग जब होती है, डेफिनेटली डीलेयरिंग होती है. रिमेंबर, ये दोनों बड़े वो इंटरवोवन का कंपोनेंट्स हैं. डीलेयरिंग कहते हैं लेयर्स को रिड्यूस करना, है ना. मतलब थोड़ा सा टॉल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है. व्हेन यू हैव अ टॉलर स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, यू हैव सो मेनी लेयर्स. आप किसी एक लेयर को एलिमिनेट कर दें, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डीलेयरिंग. डीलेयरिंग कहते हैं रिमूविंग वन और मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट कुड मीन रिमूविंग ऑल द लेयर्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट. जैसे हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, मॉस्केंटर की थ्योरी में आया था ना कंपोनेंट, कि क्या होता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, दे आर नाउ मोर इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिंग और यू नो कमांडिंग द फ्रंट लाइन मैनेजमेंट. तो मॉस्केंटर ने भी यही कहा था ना कि फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन आर मोर रिकमेंडेड. फ्लैटर जो है वो ज्यादा रिकमेंडेड होती है, और फ्लैटर स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा कामयाब होते हैं एज कम्पेयर टू टॉलर स्ट्रक्चर्स. सो दैट इज अगेन द सेम फिनोमेना कि यू आर लीविंग जस्ट सीनियर मैनेजर्स एंड फ्रंट लाइन मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, एंड यू आर एलिमिनेटिंग द, यू आर रिमूविंग द मिडल मैनेजमेंट. डीलेयरिंग के पीछे भी टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली. जब हाई एंड कम्युनिकेशन पैदा होती है, स्काइप है फॉर एग्जाम्पल, वाइबर है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है. तो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डेलीगेट कर देती है सफिशेंट अथॉरिटी टू द जूनियर मैनेजर्स, एंड दे एक्सपेक्ट दैट द जूनियर मैनेजर्स कैन मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो उन्हें खुद मॉनिटर करती है. तो आपको मिडिल मैनेजमेंट नहीं चाहिए होती. तो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू डीलेयर यू हैव टू डाउनसाइज, और व्हेन यू विल डाउनसाइज यू विल डीलेयर. गेटिंग द पॉइंट. तो दोनों के दोनों जो है बड़े इंटरवोवन से कंपोनेंट्स हैं. आप डीलेयर करेंगे तो डाउनसाइजिंग के थ्रू करेंगे, या अगर आप डाउनसाइजिंग को डिस्कस कर रहे हैं, आप मशीन्स को रिप्लेस ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं मशीन से, तो आप ऑटोमेटिकली डीलेयरिंग भी करेंगे साथ साथ. इसके बाद है आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग को हम डिफाइन करते हैं दैट यू अरेंज अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट टास्क ऑन योर बिहाफ. आपका कोई काम थर्ड पार्टी करे, आपका कोई काम जो है वो थर्ड पार्टी करे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग जो है दैट इज, और आजकल के दौर में बहुत सारे इदारे आउटसोर्स कर रहे हैं. सो मैनी फर्म्स आर आउटसोर्सिंग दीज थिंग्स. उनकी जो आउटसोर्सिंग जो है उनकी, दैट इज बेस्ड ऑन, मतलब देखें दो किस्म के टास्क होते हैं इदारों के. एक होता है उनका कोर, एक होता है नॉन कोर. द वर्ड्स आर कोर एंड नॉन कोर. कोर का मतलब होता है जिस बेस पे एक इदारा चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक तालीमी इदारे का जो कोर है वो एजुकेशन सर्विसेज है. इसी तरह होंडा गाड़ियां बनाते हैं, होंडा का जो कोर है वो उसकी ऑटोमोबाइल, उसकी गाड़ी की असेंबली है. होंडा की गाड़ी की असेंबली उसका कोर है. एक रेस्टोरेंट का कोर क्या है, उनके किचन ऑपरेशंस. रेस्टोरेंट का जो कोर है दैट इज द वे दे ऑपरेट देयर किचन. तो आउटसोर्सिंग के अंदर एक एक इदारा अपना कोर कभी आउटसोर्स नहीं करता. रिमेंबर दैट कोर आप अपना हमेशा खुद कंप्लीट करते हैं, आप नॉन कोर को आउटसोर्स कर देते हैं. एक इदारे के बहुत सारे नॉन कोर भी होते हैं. नॉन कोर से मुराद है ऐसी एक्टिविटी जो आपके लिए कंपेटेटिव एडवांटेज क्रिएट नहीं करती. एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंपेटेटिव एडवांटेज, वो आपका नॉन कोर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रेस्टोरेंट के लिए जो जेनिटोरियल स्टाफ है, हाँ एग्जैक्टली, अकाउंटिंग का जो फंक्शन है ये भी नॉन कोर में आता है. फॉर नॉट एन अकाउंटेंट फर्म, अब रिमेंबर देखो, एक फर्म के लिए अकाउंटेंसी ऑपरेशन कोर है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए नॉन कोर है. रिमेंबर दैट, गेटिंग द पॉइंट ना. अब वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगी, वो अपना नॉन कोर किसी के कोर को देगी ना. अब जो एक अकाउंटेंसी फर्म है जो अकाउंटेंसी सर्विसेज देती है, वो उसका कोर है, तो वो सर्विसेज देंगे मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि अकाउंटिंग उनका नॉन कोर है. अच्छा, लेट सपोज अकाउंटेंसी फर्म ने कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने हैं, तो वो ऐसी फर्म को ये आउटसोर्स करेंगे जिनका कोर ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है. फिनिक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आर्म्स और इस तरह की भी कंपनी है. अब आप समझ रहे हैं ना कि एक का कोर दूसरे का नॉन कोर बन जाता है.
एक इदारे का जो कोर होता है ये ऑटोमेटिकली दूसरे इदारे का नॉन कोर कहलाता है। तो जब एक इदारा अपना कोर अपने पास रखे और नॉन कोर किसी को दे दे, हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे कंपनी माइट अरेंज एक्सटर्नल अकाउंटेंसी फर्म टू टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेरोल वेजेस एंड सैलरीज, इसी तरह अक्सर इदारे क्या करते हैं एक्सटर्नल बिल्डिंग सर्विस जैसे क्लीनिंग सिक्योरिटी आउटसोर्स कर देते हैं। अक्सर इदारे जो हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी मिसाल दी होंडा की, कि होंडा क्या करता है गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनकी मैनुफैक्चरिंग को आउटसोर्स करता है और खुद क्या करता है प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, असम्बली करता है, टेस्टिंग करता है, मार्केटिंग करता है, ये सारा काम होंडा खुद करता है, ये इनका कोर है। दे असम्बल द कार, दे डिज़ाइन द कार, दे असम्बल द कार, दे मार्केट द कार, तो ये उनका सारा कोर होता है। इसी तरह बहुत सारे इदारे जो हैं वो रिकॉर्ड कीपिंग आउटसोर्स कर देते हैं। और आउटसोर्सिंग देखें, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आउटसोर्सिंग क्यों कर दी है ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर इदारा हर कुछ नहीं कर सकता, रिमेंबर दैट, नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन डू एवरीथिंग। कुछ इदारा, एक इदारा जो है वो कुछ काम उसकी सुपीरियॉरिटी उसका कोर होते हैं और कुछ उसके नॉन कोर होते हैं। जो तो उसकी कोर कॉम्पिटेंस होती है जिसकी बेस पे वो सक्सीड करता है मार्केट में राइवल के अगेंस्ट कम्पीट करता है, ये आप कभी भी आउटसोर्स नहीं करेंगे। दैट इज समथिंग विच यू कैन नेवर आउटसोर्स। हाँ, देर आर सम टास्क विच यू बिलीव दैट अदर्स कैन डू बेटर देन यू, जैसे आईटी सपोर्ट है, फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल है, आपके पास स्किल नहीं है पेरोल मैनेज करने का, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट आउटसोर्स इट। ठीक है ना, आप जब एक काम बिलीव करते हैं कि खुद आपके पास वो एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है तो वो आप आउटसोर्स करते हैं। तो कोर और नॉन कोर का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। कोर मीन्स कोर कॉम्पिटेंस, यहाँ पे जो वर्ड मैं कोर का यूज कर रहा हूँ उसका मतलब है कोर कॉम्पिटेंस। पेरोल या सैलरीज कैलकुलेशन, वेज कैलकुलेशन, ठीक है ना, अकाउंट की जो आपका पेरोल सिस्टम होता है ना पूरा, एक तो अक्सर इदारों ने अपना पेरोल ही आउटसोर्स किया होता है कि वो इस बहस में पड़ते ही नहीं है कि हम अपने लेबर की या एम्प्लॉइज की सैलरीज या वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दे आर नॉट इनटू दैट पर्टिकुलर डिसीजन, सिंपली आउटसोर्स कर देते हैं। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट के हम क्यों ये सारी दर्जे सर लें, हम क्यों सारे सिस्टम खुद इंस्टॉल करें, खुद ऑपरेट करें, सो वाई नॉट टू आउटसोर्स। जब एक बिजनेस सारे नॉन कोर एक्टिविटी खुद परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो नुकसान क्या होगा, दे माइट डाइवर्ट their attention from their core competence. That's the problem. Not every organization can do everything. Remember that. तो जब हर इदारा सब कुछ खुद नहीं कर सकता, तो जब आप यहाँ सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने कोर से डेविएट कर जाए। Getting this point? Is it clear? तो फिर आप अपने कोर से डेविएट कर जाएंगे। अब होंडा फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की असम्बली करता है, ये उसका कोर है। वो इंजन की डिजाइन भी खुद शुरू करते हैं, गाड़ी की सीट्स भी खुद बनाए, गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम भी खुद मैन्युफैक्चर करें, टायर भी खुद बनाए, सब कुछ खुद करें, तो वो गाड़ी से फिर असेंबली से वो डेविएट कर जाएंगे, वो जो उनका कोर है उससे हट जाएंगे। तो कोर पे फोकस करना होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस देन शुड आउटसोर्स ऑल द नॉन कोर एक्टिविटीज, सारे नॉन कोर का आउटसोर्स कर दें एंड दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर कोर एक्टिविटीज। ठीक है, सो दैट दे कैन मेक श्योर कि वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बरकरार रखें। आगे जाके पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा कंपेटिटिव एडवांटेज के ऊपर। कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं सुपीरियोरिटी को मेंटेन करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, व्हेन यू विल ट्राई टू डू एवरीथिंग यू विल लूज द फोकस ऑफ योर कोर एंड यू विल बी कंटिन्यूअसली डूइंग द नॉन कोर, एंड इफ यू विल लूज द फोकस ऑफ योर कोर दैट विल कॉस्ट यू मच, क्योंकि फिर आप अपना कंपेटिटिव एडवांटेज लूज कर जाएंगे ना। जैसे होंडा की जो कंपेटिटिव एडवांटेज है उसकी मार्केटिंग और उसकी असेंबली है गाड़ी की। अब होंडा टायर्स का प्लांट भी लगा ले, होंडा इंजन की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी लगा ले, लेट्स से, सो दे माइट लूज द कोर, वो अपना कोर लूज कर जाएंगे। बट स्टिल आउटसोर्सिंग जो है इसके अंदर अब डेफिनेटली काफ़ी अब ज़्यादा सहूलत हो गई है, क्योंकि तो ये हाई एंड कम्युनिकेशंस काफ़ी आ गई हैं। लेट्स से ये EDI फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का जो फिनोमेना है, ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन फ्लोज आर नाउ हैव बिकम क्वाइट ईजी। नहीं बेटा नहीं, इसमें ऐसे नहीं, हाँ वो तो खैर एक अलग डिबेट है। नहीं, वो ऑटोमोबाइल में अगर आप चले जाएंगे वो तो खैर एक डिबेट ही अलग है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। ठीक है, दैट्स एन एंटायरली सेपरेट डिबेट।
जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं देखिए मेरी बात सुने शादी, टोयोटा में वेरिएशंस हैं, होंडा में नहीं है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ये उनके क्वालिटी के कंसर्न हैं, दे आर मेन कंसर्न ऑफ देयर क्वालिटी, वी हैव नॉट एनी कंसर्न। और इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे कि टोयोटा की क्वालिटी होंडा के मुकाबले में कैसी है, हम बात कर रहे हैं कि दोनों कंपनीज असेंबल करती हैं, हम बात कर रहे हैं कि दोनों इदारे जो हैं वो असेंबल करते हैं। तो जब दोनों इदारे असेंबल करते हैं तो दे हैव टू बोथ आर फोकसिंग ऑन देयर कोर, ठीक है ना। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिबेट ओवर हियर। हाँ वो ठीक है, यू आर राइट कि टोयोटा में बहुत वेरिएशन है, होंडा में वेरिएशन कम है, जिसे हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC कहते हैं बेसिकली। ये वेरिएशन जो है ये SQC से आती हैं, और आप SQC को मिनिमाइज करें तो वेरिएशन कंट्रोल हो जाते हैं। सो आउटसोर्सिंग के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, दीज आर सम ऑफ द की डिसीजंस अ फर्म शुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग, कि कौन कौन से टास्क आउटसोर्स करने हैं, कौन से आउटसोर्स नहीं करने। और अगर एक इदारा सब कुछ ही आउटसोर्स कर दे तो वो वर्चुअल कंपनी बन जाता है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स एवरीथिंग दैट वुड बिकम अ वर्चुअल कंपनी। वर्चुअल कंपनी को हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में जाकर, लेकिन चूंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। We will talk about it in detail in the third chapter. क्योंकि ये structure का हिस्सा है, basically it's a part of structure. कि जब एक इदारा outsourcing को top पे ले जाता है, extreme पे ले जाता है, leaving just one or two individual at the center of managing business. Test Wednesday को अनवीर बेटा, परसों इंशाल्लाह. Content में announce कर चुका हूँ, हमारा हाल है. कहाँ से कहाँ तक है? If you can just give me a reminder, a recall. हमने कंटेंट डिसाइड कर किया था ना, कंटेंट कहां से कहां तक था? टेल द कंटेंट ताकि बाकी भी जरा सारे पढ़ लें। नहीं पता, चलें दोबारा सुन लें। मैनेजमेंट स्किल से मैक्रो इकोनॉमिक तक, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। फर्स्ट चैप्टर का मैनेजमेंट स्किल का पोर्शन होगा, सेकंड के एक तो शुरू में जो पेस्टल का इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक फैक्टर में सिर्फ मैक्रो, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सिर्फ मैक्रो। पेजेस चलें बता देता हूँ, पेजेस जस्ट मोमेंट बेटा, नोट कर लो सफा नंबर 23 से 27 pages almost, मैक्रो तक, ओके 23 से 50। अच्छा मैं बताता हूँ वर्चुअल कंपनी, एनी गुड एग्जांपल ऑफ वर्चुअल कंपनी दैट स्ट्राइक्स योर माइंड, आती है एग्जांपल वर्चुअल कंपनी के ज़हन में अभी? बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, एग्जैक्टली परफेक्ट। और इसके अलावा वर्चुअल कंपनी, OLX.com एक वर्चुअल कंपनी है, Amazon.com एक वर्चुअल कंपनी है, वेरी गुड। और इसके अलावा Draz.pk एक वर्चुअल कंपनी है, गुड। और Uber, Cream, एग्जैक्टली दीज आर द मोस्ट रिफाइंड वर्चुअल कंपनीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोस्ट रिफाइंड वर्चुअल कंपनीज, Uber एंड Cream, ये सबसे रिफाइंड एग्जाम्पल है वर्चुअल कंपनीज की। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे आर ऑपरेटिंग विद अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत कम एम्प्लॉइज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और हाँ एग्जैक्टली वी यू बिल्कुल फूड पांडा परफेक्ट, ऑल आर द गुड एग्जाम्पल्स, सारी की सारी अच्छी एग्जाम्पल। वर्चुअल कंपनी का मतलब ये होता है कि जब एक इदारा ये शेप ले लेता है कि एवरी थिंग इज आउटसोर्स्ड, लीविंग जस्ट वन और टू इंडिविजुअल एट सेंटर ऑफ द बिजनेस, और वर्चुअल कंपनी के अंदर कोई फिजिकल हब नहीं होता, कोई सेंटर ऑफ ऑपरेशंस नहीं होते, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ठीक है, और एक नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि आपने कंप्यूटर से और टेलीकॉम से कनेक्ट किया हुआ है, एंड दैट नंबर ऑफ पीपल और द एम्प्लॉइज दे आर नाउ दे कैन बी पार्ट टाइम वर्कर्स और दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। ना इनके कोई सेंट्रल हब ऑफ ऑपरेशंस हैं, ना इनके कोई सच कोई वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, एंड दे आर जस्ट ऑपरेटिंग लाइक on the basis of information and data which is being transferred between computers, no office, no substantial assets,
एंड वेरी फ्यू फुल टाइम एम्प्लॉइज ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है, वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल एग्जैक्टली. और मेजर जो ऑपरेशन है वो भी आपके टेलीकॉम के थ्रू होते हैं. इसमें ऑपरेशन जो है इसमें आपके मेजोरिटी ऑफ द ऑपरेशन आर एक्चुअली यस यस दे डू लेकिन दे हैव अदर चैलेंजेस, दे हैव अदर चैलेंजेस. स्पेशली अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो यहाँ पे कस्टमर का तो ट्रस्ट है अभी ई कॉमर्स में वो इतना कोई वेल डेवलप नहीं है. ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया लेकिन दैट मच डेवलप सो फार. तो उस इंटरेस्ट को अभी जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है. लाइक ये इफ़ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स बिजनेस, जैसे आप ऑनलाइन दराज डॉट पी के से जो परचेजिंग होती है, वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली कंसर्न और इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ऑनलाइन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू परचेज अ शर्ट, आप में से कितने लोग हैं जो ई शॉपिंग करते हैं? अगर आपने शर्ट परचेज करनी है तो यू विल गो ऑल द वे टू, हाँ एग्जैक्टली दैट्स अ गुड थिंग. चूँकि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं है ऑनलाइन पे करने में, तो वो कैश ऑन डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज़ हेल्प्ड अस, दैट हैज़ हेल्प्ड अस. नहीं देखें, ये अगर आप इसकी बात करते हैं ना ऊबर की या करीम की, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है. इसे कहते हैं शेयर्ड इकोनॉमी. दिस इज ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल कंपनी, लेकिन ये शेयर्ड इकोनॉमी है, ठीक है. ये शेयर्ड इकोनॉमी कहलाती है. शेयर्ड इकोनॉमी के अंदर कस्टमर का ट्रस्ट लेवल और होता है. जो एक्चुअल ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेसेस हैं उसमें कस्टमर का ट्रस्ट लेवल और होता है. शेयर्ड इकोनॉमीज में ट्रस्ट हाई होता है, लेकिन जो ई कॉमर्स ऑपरेटेड बिजनेस है, जैसे आपने अभी एग्जांपल दी दराज डॉट पी के से, आप यहाँ से कुछ भी परचेज कर लें क्वालिटी वुड भी रिमार्केबली लो. ये फैक्ट है, आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर लें क्वालिटी लो ही होगी, ठीक है. तो ये एक एक्सट्रीम फॉर्म पे आप लेवल ले जाते हैं. यानी हाउ वर्चुअल कंपनी एटलीस्ट शेयर्ड इकोनॉमी कहते हैं कि आपकी अर्निंग जो है आपके साथ कोई और शेयर करे. जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज ड्राइविंग पुटिंग हिज राइड ऑन ऊबर और करीम, ठीक है. तो वहाँ पे फिर वो एक आप समझ लें फ्री लांसिंग जॉब है ना, कोई भी चला सकता है. और उस फ्री लांसिंग के अंदर आप शेयर करते हैं अपनी इकोनॉमी को उनके साथ. एग्जैक्टली जो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जिसमें ये जो है ना आपके शेयर इकोनॉमी जो ऊबर और करीम के जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर यू आर एक्चुअली गिविंग अ पोर्शन ऑफ योर अर्निंग टू द कंपनी बिकॉज दे आर एक्चुअली कनेक्टिंग द कस्टमर विद यू. तो इस किस्म की सिचुएशन में इसे हम शेयर इकोनॉमी कहते हैं, दैट इज नोन एज शेयर इकोनॉमी. नहीं, अमेजॉन इज नॉट अ शेयर इकोनॉमी, अमेजॉन शेयर इकोनॉमी नहीं है, रिमेंबर दैट. ऊबर शेयर इकोनॉमी की एग्जाम्पल है, करीम शेयर इकोनॉमी की एग्जाम्पल है, बाइका शेयर इकोनॉमी की एग्जाम्पल है. शेयर इकोनॉमीज कहते हैं जहाँ पे फ्री लांसर्स होते हैं, वो फ्री लांसर्स जो हैं वो सर्विसेज मुहैया करते हैं और वो फ्री लांसर्स उन डिलीवर्ड सर्विसेज के अगेंस्ट एक कंपनी को पे करते हैं. एग्जैक्टली बिल्कुल. अब जैसे वीयू का कॉन्सेप्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है. एग्जैक्टली दिस इज अ वंडरफुल, जो आपकी जो एस डी एल है ना, ये स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल कंपनी, ठीक है ना. दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल कंपनी कि फिजिकल रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे, फिजिकल हब नहीं है, क्लासरूम नहीं है, ठीक है. कोई उसके अंदर आपके फिजिकल एसेट्स नहीं है, ठीक है. चाहे सर्विसेज हैं चाहे प्रोडक्ट है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ऑपरेटिंग इन अ वर्चुअल मैकेनिज्म. यस यस यू कैन डू दैट, बिल्कुल बिल्कुल. ये तो उन्होंने खैर अब आके स्टार्ट किया ना, उन्होंने ये आके अपने बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड किया, थोड़ा सा बिडिंग की तरफ भी ले गए कि दे आर एक्चुअली नाउ एंटरिंग इनटू अ टू वे बिजनेस मॉडल, दे आर सेलिंग एंड दे आर बाइंग एज वेल, और दे आर ऑल्सो बाइंग ऑन योर बिहाफ, दे आर ऑल्सो बाइंग ऑन योर बिहाफ. सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि वर्चुअल और ये जो है ना ये वाला पैराग्राफ, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कोई फिजिकल हब नहीं होता, कोई ऑपरेशन सेंटर नहीं है, एक नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल है जिन्हें आपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से इकट्ठा किया हुआ, एंड दे नीड नॉट टू बी एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस, दे आर पार्ट टाइम वर्कर, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं. नो, ऑल द शेयर्ड इकोनॉमीज are virtual, but all virtuals are not shared economies. Just put it this way. SDL virtual hai, but shared economy nahi. SDL is not shared economy.
क्योंकि इसमें फ्रीलांसर्स नहीं ना है, मतलब द पीपल आर एम्प्लॉयड हेयर, फैकल्टी हायर्ड, दे आर बीइंग पेड, ठीक है यार। देखो मेरी बात है, आप सिर्फ वर्चुअल कंपनी को समझो। वर्चुअल कंपनी कहते हैं ऐसे इदारे को जिसके फिजिकल हब कोई नहीं होता और वो सिर्फ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क पे ऑपरेट करती है। जैसे आपने ए टैक्सी का नाम सुना होगा, येलो कलर की टैक्सी चलती है ना, ए कैब, ए टैक्सी, देखिए ना वर्चुअल। ये मैं अब इस पे आता हूँ, पहले वर्चुअल जरा समझो बेटा, अंडरस्टैंड वर्चुअल फर्स्ट, पहले वर्चुअल को समझो। वर्चुअल इदारा ऐसे इदारे को कहते हैं जिसके फिजिकल ऑपरेशंस नहीं होते। एग्जाम्पल देने लगा हूँ, एक होती है ए टैक्सी। ए टैक्सी आपने देखा, येलो कैब चलती है, उनकी एक फिजिकल लोकेशन है जहाँ से वो कैब सारी सुबह सुबह निकलती हैं, फिर वो कस्टमर्स को पिक करती हैं, ठीक है। ऑपरेशन तो होते ही होते हैं, चाहे वो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हो या वर्चुअल में, ऑपरेशन के बगैर तो ज़्यादा चलता ही नहीं ना है। अब अमेजोन डॉट कॉम के बैक एंड पे क्या ऑपरेशन नहीं चल रहे? हाँ, लेकिन उनके ऑपरेशन IT बेस्ड होते हैं। कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर देगा, वो उसी वक्त सोर्स करेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है, वहाँ से कस्टमर तक पहुँचाना है। लाहौर में चलती है यार ये टैक्सी लाहौर में चलती है, येलो कैब जिसे समझ लें आप। अब ये कंपनी है बेसिकली ए टैक्सी के नाम से लाहौर में, एंड दे हैव फिजिकल लोकेशंस जहाँ से वो टैक्सी कम्यूट करती है। चलो नहीं है तो कोई मसला, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो आपका बिजनेस वेंचर है, वो ऑपरेट कैसे हो रहा है। अच्छा, इसके बरस अगर आप एग्जांपल ले लें इसकी, ऊबर की या क्रीम की, दैट इज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्चुअली ऑपरेट होती है। एक हब है, एक छोटा सा एक ऑफिस होगा जहाँ पे चंद लोग बैठते हैं जो कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं कस्टमर्स को राइड्स के साथ। शेयर्ड इकोनॉमी तब बनती है जब आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो पार्ट टाइम वर्कर हो। ये देखिए, ये दे मे बी पार्ट टाइम और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, लेकिन नॉट एवरी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हैव पार्ट टाइम वर्कर्स, कुछ में हो सकते हैं। अगर तो एम्प्लॉयज पार्ट टाइम है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे ऊबर या क्रीम के एम्प्लॉयज हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, ऊबर एंड क्रीम हैव सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। तो अगर तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं तो फिर तो ये शेयर इकोनॉमी कहलाती है। वर्चुअल कंपनी भी है, शेयर इकोनॉमी भी है। लेकिन जैसे वर्चुअल कंपनी की मिसाल, जैसे वीयू की एग्जांपल ले लें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने टीचर्स हैं, अपनी फैकल्टी, अपने एम्प्लॉयज हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। सो दैट इज अ वर्चुअल कंपनी ऑलवेज। हाँ, फ्रीलांसर वाले शेयर इकोनॉमी में आते हैं। एग्जैक्टली, फ्रीलांसर वाले शेयर इकोनॉमी में आते हैं। सो मैंने एक स्टेटमेंट बोली है, वो ये कहा है कि एवरी शेयर इकोनॉमी इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉट एवरी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज शेयर इकोनॉमी। जैसे जो भी बिजनेस शेयर इकोनॉमी के ऊपर ऑपरेट करेगा वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल भी हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल होने, शेयर इकोनॉमी पे काम करने के लिए वर्चुअल होना पड़ता है। यू कांट बी वर्चुअल इफ यू कांट शेयर इकोनॉमी। लेकिन अगर आप वर्चुअल हैं तो नेसेसरी नहीं है कि आप शेयर इकोनॉमी के ऊपर भी काम कर रहे होंगे। नहीं, देखें, कोई एम्प्लॉय भी पार्ट टाइम वर्कर ना हो, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, अगर तो वो फ्रीलांसर या पार्ट टाइम वर्कर्स पे रिलाई कर रहे हैं, जैसे एक मिसाल दी आपको मैंने ऊबर की, ऊबर जो है ये रिलाई करता है उन लोगों पे जिनकी अपनी गाड़ियां हैं, वो अपनी गाड़ियां खुद चलाते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को या पैसेंजर्स को ट्रेवल करवाते हैं और फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ ऊबर को पे करते हैं, कुछ खुद रख लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, पार्ट टाइम वर्कर्स इन्वॉल्व हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बंदा जिसकी अपनी गाड़ी है वैगन आर जो ऊबर पे चला रहा है, वो खुद अपना वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, ही सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसा ही है ना। अच्छा, SDL की मिसाल लेना, लेट्स टॉक अबाउट SDL, स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग की मिसाल लेना। अब स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग के अंदर इवन दो के सब कुछ वर्चुअल है ना, फिजिकल क्लासरूम्स हैं ना, ऑफिस हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है आपको फैकल्टी के साथ, ऐसा ही है ना। लेकिन फैकल्टी इनकी एम्प्लॉई है, फैकल्टी फ्रीलांसर्स नहीं है, नंबर वन। ओके, तो SDL इज अ वर्चुअल कंपनी। अच्छा, नियर पियर का नाम सुना आपने, नियर पियर, ये भी एक ऑनलाइन क्लासेस का पोर्टल है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है उनकी, इट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उनसे मैनेज नहीं हो पाता ना, वो कोशिश ये कर ना, दैट्स नियर पियर जो है, नियर पियर, वो भी अकाउंटेंसी ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करते हैं ना, नियर पियर वाले जो, ठीक है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं। तो नियर पियर वाले जो हैं बेसिकली वो कोशिश करते हैं, दे एक्चुअली ट्राई कि वो हाँ कि वो जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट से फैकल्टी को फ्रीलांसर के तौर पे इन्वॉल्व करें, बट दैट्स नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल।
वो इतना कोई कामयाब मॉडल नहीं है। तो ये SDL का जो मॉडल है ये कामयाब मॉडल इसलिए है कि यहाँ पे फ्री लांसर्स नहीं है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग नहीं है, पार्ट टाइम वर्कर्स नहीं है। आई होप इट्स क्लियर ना, कुछ आई बात समझ अभी कि नहीं आई। तो जब आप फ्री लांसिंग की बात करते हैं ना, तो फ्री लांसिंग के लिए फिर शेयर इकोनॉमीज पैदा होती है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली अ वर्चुअल कंपनी बट नॉट नेसेसरली अ शेयर इकोनॉमी, फिर आपके एम्प्लॉयज होते बहुत कम है, वेरी फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू हैव, बट ऑल ऑफ देम आर योर परमानेंट एम्प्लॉयज। गॉट इट? अगेन, आईटी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है वर्चुअल कंपनी के बनाने के पीछे। नो एग्जैक्टली, वीयू इज अ वर्चुअल कंपनी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट अ शेयर्ड इकोनॉमी। एग्जैक्टली, वीयू के सारी फैकल्टी अपनी है, सारे टीचर्स अपने, ठीक, उनके पास फिजिकल क्लासरूम मॉडल नहीं है, उनके पास अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है। तो वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ देम आर फैकल्टी, दे आर एक्चुअली ऑपरेटिंग। ओके, सो हियर वी कंक्लूडेड द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट इकोलॉजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट फाइव मिनिमम, उसके बाद 11th का कुछ पोर्शन, फर्स्ट फाइव तो होंगे ही होंगे, 11th का भी एक पोर्शन होगा, ठीक है। पहले पांच तो लाजमी होंगे, एक पोर्शन 11th का भी होगा। इकोलॉजिकल फैक्टर्स, अच्छा आपके पास पेपर्स में ये क्वेश्चन एक दफा आ चुका है पेपर में। एक तो ये कि इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस का फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, तीन तरह से हम इम्पैक्ट मेजर करते हैं। और 11 बेटा आईटी का, 11 चैप्टर, क्योंकि पहले पांच के बाद हम आईटी पर जंप करेंगे, तो आई ट्राई कि मैं आईटी का एक पोर्शन आपको कवर करवा दूं, तो भी ऐड हो जाएगा। एनवायरनमेंट नॉट, नहीं, सिक्स कंप्लीट नहीं होंगे, द सिक्स वन वुड बी अ पोर्शन ऑफ इट, उसका एक हिस्सा होगा। 11th का, 11th कंप्लीट नहीं होगा, उसका एक हिस्सा होगा, 11th का एक पोर्शन होगा, मुकम्मल नहीं होगा, ठीक। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ये एग्जैक्टली ये तीन वेज में इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी एक बिजनेस जो है उसके तीन तरीकों से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पैदा होते हैं। बिजनेसेस रिसोर्सेज यूज करते हैं, बिजनेस कार्बन फुटप्रिंटिंग कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आप कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कार्बन फुटप्रिंटिंग। तो बिजनेसेस जो है वो कार्बन फुटप्रिंटिंग भी करते हैं और बिजनेस पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। सो देर आर थ्री मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट ड्यू टू बिजनेसेस। बिजनेसेस की वजह से एनवायरमेंट पे ये तीन मेन इम्पैक्ट्स होते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल, कार्बन फुटप्रिंटिंग और पॉल्यूशन। रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं हमने पहले, दो किस्म के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं और रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, महदूद होते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, अगर उनको आप कंज्यूम कर लेंगे तो वो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होंगे, एंड दैट माइट बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लोकल नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना बड़ा खतरनाक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इस वक्त पानी की किल्लत होती जा रही है, जो डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। नेचुरल गैस, वाटर, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं कि रिन्यू होते ही नहीं है, रिन्यू होते हैं, लेकिन रिन्यू होने की जो स्पीड है वो कंजम्पशन की स्पीड से बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि पानी जो है वो दोबारा आता नहीं है, पानी आता है, बारिशें होती हैं, फिर आपके दोबारा डैम भरते हैं, फिर दोबारा आप वो पानी को कंज्यूम करते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि वो रिन्यू नहीं होता, रिन्यू होता है, लेकिन उसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन। और उसकी जो रिन्यूअल है उससे उसकी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बरक्स देयर आर सम रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, ये मैन मेड रिसोर्सेज भी कहलाते हैं, ठीक है। सो डिमांड फॉर, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ गुड, एग्जैक्टली, आप क्या करते हैं फिर, आप डाइवर्जन कर देते हैं लैंड की, जो पहले एग्रीकल्चरल लैंड होती थी, अब आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए ले आए, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले वहाँ पे काश्तकारी होती थी, जियो थर्मल एनर्जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है ना। बहुत सारी एनर्जी की जो अदर सोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल हैं, जैसे बायोफ्यूल्स हैं, जियो थर्मल है, विंड मिल्स हैं, एग्जैक्टली। तो ये डिपेंड करता है कि इदारा किस किस्म के रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस आर इनकरेज टू यूज
رینیوبل ریسورسز ایز کمپیئر ٹو یوزنگ نان رینیوبل ریسورسز. اداروں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ رینیوبل ریسورسز یوز کریں, نان رینیوبل کو یوز نہ کریں, کیونکہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے را مٹیریلس کی تو وہ ڈیفارسٹیشن کی طرف لے کے جاتی ہے. جب ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کاربن فٹ پرنٹنگ. کاربن فٹ پرنٹ کہتے ہیں دیٹ دا گلوبل وارمنگ ایشو کو, ہاؤ مچ کاربن ڈائی آکسائڈ از بینگ جنریٹڈ بائی دا بزنس ایکٹیویٹی. آپ کی بزنس کی ایکٹیویٹی سے کتنی سی او ٹو آپ انوائرمنٹ کو دے رہے ہیں. کاربن فٹ پرنٹنگ کے سورسز کیا ہیں, مینوفیکچرنگ, ٹرانسپورٹیشن, ہیٹنگ, لائٹنگ, یہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جس میں انرجی کنزیوم ہوتی ہے. انرجی کنزیوم ہوتی ہے تو کاربن فٹ پرنٹنگ ہوتی ہے. اور تیسرا جو امپورٹنٹ بزنس کا کنسرن ہوتا ہے, امپیکٹ ہوتا ہے, دیٹ از پولیوشن. کاربن فٹ پرنٹنگ از ون آف دا پولیوشن. اس کے علاوہ نوائز پولیوشن ہے, ہیٹ پولیوشن ہے, واٹر پولیوشن ہے, پیکیجنگ ہے, ویسٹیج ہے, ساری پولیوشن. اسی اگر یہ کوشچن آیا تھا آپ کو ایگزامینیشن میں 5 مارکس کا سم ویئر بیک ان 2015, دس واز دا کوشچن. یہ 5 نمبر کا سوال تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جی بتائیں وہ کون کون سے ویز ہیں جس میں جس کے تھرو ادارے اپنی انوائرمنٹ پہ اپنا امپیکٹ لمیٹائز محدود کر سکتے ہیں. واٹ آر دا ویز ان وچ بزنس مائٹ لمٹ دیئر امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ. کون کون سے طریقے ہیں جس سے بزنس جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر اپنا امپیکٹ لمیٹائز کر سکتے ہیں. سو دیز آر سم آف دا ویز. انرجی ایفیشنسی کو امپروو کر کے, رینیوبل انرجیز میں انویسٹ کر کے, گوڈس کو لوکلی سورس کریں, امپورٹ نہ کریں تاکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو, آئی ٹی میں انویسٹ کریں تاکہ یو کین میک بیسٹ پاسبل یوز آف انوینٹری کنٹرول پروسیس, انویسٹ ان مور ایفیشینٹ یوز آف پروڈکشن ٹیکنالوجیز, پروڈکشن ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کریں, ویسٹ کو ریڈیوس کریں, پیکیجنگ کو ریڈیوس کریں. تو ڈفرینٹ میکینزمز اینڈ ڈفرینٹ موڈز آر دیئر تھرو وچ اے بزنس کین ایکچولی بی اے سورس آف ریڈیوسنگ دا امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ. دیکھیں یہ ذرا ورڈ صحیح کر لیں, دس از انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ناٹ اکنامک. یار سو فار نوید ابھی تک دیکھیں نا, ابھی ہم سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو بائی دا اینڈ آف یور سیکنڈ چیپٹر کنکلوژن آپ 25% کمپلیٹ کر چکے ہوں گے اپنا ٹوٹل سلیبس. پہلے دو چیپٹر جو ہیں وہ 25% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, سو بائی دا اینڈ آف دا سیکنڈ چیپٹر ہم اپنا 25% کورس کور کر چکے ہوں گے بالکل, کیونکہ یہ دو چیپٹر ہیں 25% ہیں آپ کے پیپر کا. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ اور اب اگر ٹائم لائن دیکھیں تو ہمیں سیشن اسٹارٹ کیے بھی تقریباً مہینہ ہونے والا ہے, ٹوٹل سیشن ہمارا 4 months کا ہے, تو وی آر ایگزیکٹلی آن دا رائٹ ٹائم لائن کہ ود ان اے منتھ ہم نے اپنا 25% ٹائم ہمارا اوور ہو رہا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم 25% کانٹینٹ اپنا پورا کرنے جا رہے ہیں. تو ود ان 2-3 days ان شاء اللہ ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے. اور نہیں یار چار کہاں سے, ابھی تو ہم سیکنڈ چیپٹر پہ ہیں بیٹا, ابھی تو ہم سیکنڈ چیپٹر پہ ہیں بیٹا جی. اگلے چیپٹر تھوڑے آسان ہیں, تھوڑے سمپلیفائڈ ہیں, اس میں آپ کی ایفرٹ کم لگیں, اس میں آپ کی انرجیز بھی کم لگیں. ٹھیک ہے, آنے والے چیپٹرز ہیں وہ تھوڑے سے ایزی ہو رہے ہیں. ایکچولی پہلے دو چیپٹرز کا جو کانٹینٹ ہے وہ کافی لوڈیڈ ہے, کافی ہائی ہے, اس کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس کو تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ٹرمز آف کانسیپٹ کلیئرٹی. تو آپ تھوڑا سا اپنی لرننگ ایبلٹیز کو شارپ کریں, ان شاء اللہ اٹ ول بی ہیلپنگ یو الاٹ. شروز نے کہا تھا جی کہ ٹائم نہیں مل رہا ریویژن کا, ہاں انوائرمنٹ سے ایگزیکٹلی اس کو ریپلیس کرنا ہے انوائرمنٹ سے. چلیں لیٹس اس ٹاپک کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں, اوور لوڈ ہو گیا میرا خیال ہے آج کے لیے. یہ 7.3 ان شاء اللہ باقی پھر کل پڑھ لیں. تو آئی کیپ کے ایگزام کے لیے آپ کو اپنی جو تیاری کرنی ہے اس کے لیے آپ نے فرسٹ 2 chapters کو اگنور نہیں کرنا بیٹا, نو ناٹ ایٹ آل. یہ تو بڑا امپورٹنٹ پورشن ہے آپ کے پیپر کا. ان فیکٹ جو اسٹوڈنٹ اکثر فیل ہو جاتے ہیں پیپر میں وہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلے 2 chapters کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, دے آر سمپلی اگنورنگ دا فرسٹ 2 chapters. تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ یو نیڈ ناٹ ٹو اگنور دیز 2 chapters, دے آر ویری امپورٹنٹ. اوکے, تھینک یو سو مچ فار دا کمپلیمنٹ بیٹا, تھینک یو ویری مچ. آئی وانٹ یو پیپل کہ آپ بھی ذرا اس لیول آف موٹیویشن کو اچیو کریں پھر, کیونکہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ریویژنز اینڈ یو نو ٹائم اینڈ ٹائم ریویژن. اور دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے آپ کو کہ میری جو پریزنس ہے وہ تو ہے ہی آپ کے پاس واٹس ایپ کے اوپر. ایز سون ایز یو آر ریڈنگ سم تھنگ یو آر ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹ, یو آر یو کین آلویز کم اپ اینڈ آسک. ٹھیک ہے جی بالکل ایز سن ایگزیکٹلی, اٹ کین بی امپرووڈ, یس اٹ کین بی بالکل.
वो तो आपका रिन्यूएबल सोर्स बन जाएगा ना, दैट वुड बी योर रिन्यूएबल सोर्स. ठीक है, खैर आप इसको पसे पुश्त ना डालें, आप साथ साथ इसकी रिवीजन करें. जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ इशू है, जस्ट गेट बैक टू मी, बिकॉज नाउ वी आर इनटू अ फॉर्मल चैनल. ठीक है, तो मेरा जो अब कंसर्न है दैट इज कि आप इस पेपर को पास करें. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो एज फार एज यू नीड माई इनपुट, आई एम हेयर टू असिस्ट यू पीपल, टू गाइड यू पीपल. ठीक है, बाकी मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड द व्हाट्सएप. जहाँ प्रॉब्लम हो, गेट बैक टू मी. तीन कोर्सेज इज क्वाइट अ लोड. ठीक है, अच्छा लोड है, लेकिन ये है कि आपने इस लोड को बैलेंस कैसे करना है, दैट्स अप टू यू. तीन कोर्सेज फुल लोड कहलाता है, दैट इज फुल लोड. ठीक है, और ये फुल लोड आपने लिया हुआ है, और आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंगली माशाल्लाह. शरोज साहब आप तो और आ गए हैं. फिर देखें बेटा, टाइम डेडिकेट करें, मेक सम टाइम टेबल, डेडिकेट सम अप्रोप्रिएट टाइम. चीज़ों को अप्रोप्रिएटली हैंडल करेंगे तो काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा. ठीक, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम टेबलिंग पे आ जाए ना, तो दैट वुड हेल्प यू अलॉट. इफ यू नीड माई असिस्टेंस इन मेकिंग सम गुड टाइम टेबल, तो आई कैन शेयर सम टेम्पलेट्स विद यू, जिसकी बेस पर आप टाइम टेबल अपना बना सकते हैं. बट मेक अ टाइम टेबल डेली, 24/7 का एक टाइम टेबल बनाया अपना. इसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर आप काम भी करें, यू शुड स्टिक टू इट. ठीक है, यू शुड देन स्टिक टू दैट टाइम टेबल, यू शुड देन स्टिक टू दैट टाइम टेबल. ओके, यस आई विल शेयर दैट टेम्पलेट. हाँ एग्जैक्टली, दैट्स गुड. चलिए कभी शेयर करूंगा आपके साथ, ये एक दफा अनिसा के साथ. एक्चुअली शी इज फ्रॉम द लास्ट बैच, इससे पहले भी मेरा इंटरेक्शन रह चुका है. सो आई जस्ट गेव हर अ फूड फॉर थॉट. तो इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड, रादर सजेस्ट कि व्हाट्सएप पे यही आपको बताएं कि ये रूल ऑफ एट क्या होता है. ठीक है, तो जस्ट बेटा नहीं सर, व्हाट्सएप पे जरा इसको अनाउंस कर देना. ठीक, जस्ट जस्ट मेक अ डिबेट ऑन इट. ओके ठीक है, फिर लेट्स कंक्लूड इट, और इसको फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. चलो, सी यू अराउंड. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.